ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है? एक एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम. उन्होंने 1956 में ये क्लासिफिकेशन, ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बनाई. उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई. किस लिए इंट्रोड्यूस कराई? कि जो आपकी लर्निंग है वो सिर्फ ये नहीं है, चीज़ों को याद करना सिर्फ ये नहीं है, लर्निंग आपकी डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं आपके माइंड के, जो कि लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. और वो कौन कौन से लेवल्स हैं और वो किस किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बनाई. और चूंकि टेक्सोनोमी के भी हम वर्ड साथ लेके आ रहे हैं, और टेक्सोनोमी हमें पता है कि एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होती है, सो एक साउंड रीजंस को, साउंड लॉजिक्स को सामने रखते हुए और देते हुए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बनाई. किस चीज़ की? हम लर्निंग के प्रोसेस में जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं, या मेंटल आपकी लेवल के जो स्किल्स हैं, या आपकी थिंकिंग का जो प्रोसेस है, उसके कौन कौन से लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसकी उन्होंने क्लासिफिकेशन बनाई. किस लिए? ताकि हम उसको टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में यूज़ कर सकें, हमें पता हो कि हम ये जो चीज़ लर्न कर रहे हैं, इनफैक्ट कौन से लेवल का हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किधर कौन से पे ले जा सकते हैं. यानी उसको और सिर्फ ये कह देना कि सीख लिया, याद कर लिया, इसके मुकाबले में आप ये देखेंगे, हम ये कहें कि ये हम ये चीज़ सीख रहे हैं इस लेवल पे, हमारी ये थिंकिंग इस हद तक इन्वॉल्व है, हमने इस डेप्थ पे जाके इसको सीखा है, तो ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना. तो ये क्लैरिटी लाने के लिए सारे में उन्होंने इस ये टेक्सोनॉमी उन्होंने बनाई. और इसका क्या फ़ायदा होता है? और ये मोस्ट ऑफन दिस इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस. इसका हमें बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ दो चीज़ों में. एक तो हमने जब इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर प्लानिंग सर्टेन कोर्सेज एंड वी आर प्लानिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, और हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस कोर्स के, इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ. और फिर दूसरी जगह क्या फ़ायदा हुआ हमें इसका, इसके क्वेश्चंस बनाने में, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में, और फिर हमें क्वेश्चंस बनाने में इसका बड़ा फ़ायदा हुआ. क्योंकि हमने कहा कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इसको बड़ा क्लैरिटी लाने के लिए कि हमने ये चीज़ पढ़ानी है, किस लेवल पे पढ़ानी है, हमारी जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं यानी थिंकिंग स्किल्स जो आपके हैं, वो किस लेवल पे इन्वॉल्व होने हैं, कितना हमने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, कितनी डेप्थ में जाना है, इन सारों को क्लियर करने के लिए, इन चीज़ों में क्लैरिटी लाने के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने हमें बड़ा हेल्प किया है. और फर्दर अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव वो टारगेट है ना कि हमने यहाँ तक जाना है, तो फिर वो वहाँ भी हमें ये बड़ा हेल्प करती है, क्योंकि बड़ी क्लियर हो जाता है कि ये टारगेट हमने अचीव करना है कितनी डेप्थ पे जाके, किस लेवल पे जाके, वहाँ भी हमें बड़ा हेल्प करती है. और फिर क्वेश्चन बनाने में भी बड़ा हेल्प करती है असेसमेंट में, क्योंकि यू नो कि ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट में हमेशा एक लिंक होता है, एक अलाइनमेंट होती है. तो ऑब्जेक्टिव बनाने में भी वो क्लैरिटी लाती है, हमें हेल्प करती है. और फिर आगे जब हम असेसमेंट बना रहे होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, जज करने के लिए, तो वहाँ भी ये बड़ी क्लैरिटी लाती है और हमें हेल्प करती है कि हम किस लेवल पे क्वेश्चन बना रहे हैं, किस लेवल पे हम इसको हमने असेस करना है. तो इन दोनों चीज़ों में तो पर्टिकुलरली हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने बहुत हेल्प किया है.